अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कॉपीराइट क्लेम को कैसे हटा सकते हो। तो गाइस चलिए चलते हैं आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि आप कॉपीराइट क्लेम को कैसे हटा सकते हो। तो गाइस यहाँ पे सिंपली से आपको यूट्यूब स्टूडियो वीडियो खोल लेना है, ओपन कर लेना अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो मैंने यहाँ ओपन कर लिया है यूट्यूब लोडिंग, यूट्यूब स्टूडियो यहाँ पे लोड हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। लोड होने के बाद यहाँ पे इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट आपको दिख रहा है, जिसपे 348 व्यूज़ गए हैं। तो यहाँ पे आपको अब मैं अगर आपको एक साथ देखना है तो यहाँ पे आप कॉपीराइट नोटिस में जाके देख सकते हो। यहाँ पे जितना भी कॉपीराइट वीडियो रहेगा वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे इंक्लूड कॉपीराइट कर आप क्लिक करता हूँ, जाके जान सकूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एड्स माइट बी माइट अपियर ऑन योर वीडियो, मतलब एड्स आपके मे भी आ सकते हैं आपके इस वीडियो पर क्योंकि कॉपीराइट गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसने क्लेम किया है वो अलाउ कर रहा है कि आप उनका क्लिप यूज़ कर सकते हो अपने वीडियो पे। यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया जाएगा, बस उनका आपका जो रिवेन्यू बनेगा वो उसके पास चला जाएगा। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपका जो क्लेमेंट गया है वो गलत है, तो आप यहाँ पे फाइल डिस्प्यूट कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका क्लिप है जो ओरिजिनल है आपके द्वारा किसी क्लेमेंट द्वारा नहीं है, तो आप यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन अपना के आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको विजुअल कंटेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप 0.06 से 1.56 का आपने यहाँ पे क्लिप यूज़ किया है, जो कि आपको एडिट करते समय काम आएगा, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं चलूँगा पुराने यूट्यूब स्टूडियो पे, बीटा स्टूडियो बीटा पे जाऊँगा, जहाँ पे मुझे एडिटर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे खुल चुका है, तो मैं वीडियोज़ में जाता हूँ ताकि मैं अपने क्लिप वाले वीडियो को देख सकूँ। तो ओपन हो जाओ जल्दी से, तो ये ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम वाली वीडियो को ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ओपन, हाँ चलो, तो ये हो चुका है ओपन कॉपीराइट क्लेम वाली वीडियो। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पब्लिक के नीचे लिखा हुआ है कॉपीराइट क्लेम। अब मुझे एडिटर पे क्लिक करना है ताकि मैं इस क्लिप को ट्रिम कर सकूँ, अपने वीडियो से हटा सकूँ, ताकि मेरा कॉपीराइट क्लेम हट जाए। तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा क्रोम ब्राउज़र में, आपको आप चाहे तो एंड्रॉयड में कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको जो क्लिप आपने 0.06 मिनट सेकंड से 1.56 मिनट तक जो वहाँ पे देखा था, अब यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है ड्रैग। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रिम पे जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है ट्रिम, ट्रिम पे जाके क्लिक करना है और आपको सिंपली ड्रैग करना है, मतलब इधर सॉरी ड्रॉप करना है। इस यहाँ पर मैंने फाइनली ट्रिम कर लिया है अपने वीडियो को, और अब मैं इसे सेव करूँगा प्रीव्यू करने के बाद। ठीक है, पहले आपको प्रीव्यू करना होगा कि आपने सही तो किया है ना, जो भी किया है। तो प्रीव्यू करने के बाद आप सेव कर लो, तो आपका कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा, बिलीव करो। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सभी को बताइए कि इस तरह से कुछ होता है, तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी तुरंत कर ले, ताकि हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट आप तक आ सके इसी तरह तुरंत। We'll be right back.